मैं अपने साथियों के साथ गोड्डा जिला से, जो झारखंड में है, वहाँ से आया हूँ। मेरा नाम साथी है। आप लोग? हम लोग अभी 6 आए हैं, लेकिन हमारा जो टीम है मशरूम खेती के लिए गोढ़िया नामक स्थान पर है, और 50 से अधिक महिला और पुरुष मिला करके हम लोगों ने मशरूम खेती का कार्य शुरू किया है। सर, कैसे जानकारी प्राप्त हुआ आपको? ये जानकारी तो हमारे आटी पुआल मशरूम ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, जो बंदवान में है, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर श्री डॉक्टर अमरेश महतो जी के द्वारा ये मशरूम खेती के संबंध में हम लोग को जानकारी हुई, और उसी के निर्देश पर हम लोग इस कार्य को शुरू किए हैं। और आने वाले समय में बहुत, जो हमारा गोड्डा ज़िला है, साहिबगंज ज़िला है और दुमका ज़िला, इन सभी ज़िलों में विभिन्न प्रखंडों में हम लोग काम शुरू कर दिए हैं। सर, इसमें कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ सर, जो आप लोग मशरूम में? हम लोग अभी डॉक्टर अमरेश महतो के द्वारा जो उद्घाटन का कार्य हम लोग शुरू किए हैं, एक बार शुरू किए हैं, और इसके बाद बीच में हम लोग सीआर धान 310 के लिए कटक भी गए हुए थे। सर के साथ में हम लोग ट्रेनिंग ले चुके हैं सीआर धान सीड प्रोडक्शन का। आपको लग रहा है कि इसमें भविष्य है? हाँ, भविष्य बहुत अच्छा भविष्य है, क्योंकि अगर इसको फुल फेज में उत्पादन किया जाए अगर पूरे गांव में, तो इससे क्या फायदा होगा झारखंड जैसे राज्य, गरीब राज्य को? झारखंड जैसे राज्य में हम लोग देखते हैं जो गांव के लोग हैं, रोजी रोजगार के का साधन उनको बहुत कम है, और गुजरात, पंजाब, हैदराबाद, यहाँ तक केरल तक पहुँच जाते हैं, और अपना घर द्वार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन जब घर में ही उनको मशरूम खेती के द्वारा अच्छा रोजगार मिले, तो उनके लिए और देश के लिए बहुत अच्छा होगा। कितना फ़ायदा होगा सर, अगर एक तो कोई हैंडसम अगर किसान अगर चाहेंगे जी अपने परिवार को पालने के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, कितना इन्वेस्ट करके वो मशरूम खेती में अच्छा पैसा कमा सकते हैं मिनिमम? इन्वेस्ट तो जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर ऑयस्टर मशरूम की खेती किया जाए तो 10 फीट बाय 10 फीट में हम लोग 5 से 7 हज़ार महीना में कमा सकते हैं। महीना में 5 से 7 हज़ार? जी, 10 बाय 10 जी, ऑयस्टर मशरूम के पैकिंग के द्वारा। और जो हमारे सर अमरेश महतो के अनुसार जो पेडी स्ट्रॉ मशरूम हम लोग करेंगे, जो घर के अंदर नहीं बल्कि हमारे घर के आसपास ही, घर के पिछवाड़े में हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि घर सबका उसका कितना कमाई होगा सर अगर उसको करेंगे तो? उसका भी लगभग वही कमाई है जो हम लोग खुले में कर सकते हैं। सर, जब जो आप लोग जो मशरूम की खेती कर रहे, तो मार्केट भी थोड़ा देखे होंगे, वर्तमान में जो मशरूम जो बिक्री हो रहा है आप लोग के शहर में, ये मशरूम में क्या डिफरेंस है? जो हम लोग गांव घर में या अगल बगल देखते हैं, वो बरसात के समय में कुछ मात्रा में हम लोग देखते हैं, जो अपने आप उग जाता है 12 महीना। हाँ, ये जो हम लोग खेती करने वाले हैं या कर रहे हैं, शुरुआत की है, वो साल के 12 महीना ग्रामीणों को, जो बेरोजगार महिलाओं को रोजगार मिल सकता है और इनकम हो सकता है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। मशरूम आप जो खा रहे हैं वर्तमान में, वह मशरूम कितना फ़ायदेमंद है, या ज़रूर आप लैब में टेस्ट कर लीजिए। अगर नहीं किए हैं तो आपको सोचने के लिए मजबूर होगा कि यह जो जगह है, यह पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ पर रविंद्र भवन में बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ डॉक्टर अमरेश महतो के माध्यम से, जिसमें मशरूम के लिए बहुत सी महिला, गांव के महिला आज उसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, और सबसे बड़ी चीज़ है कि वह उद्योगपति भी आज इन्वॉल्व है, और उनको भी विश्वास है कि अगर हम, मैं इसमें अपना करियर बनाती हूँ, या इसमें अगर इन्वेस्ट करती हूँ, या इसमें अगर उद्योग लगाती हूँ, तो मेरा भी इंडस्ट्री भारत के बड़े से बड़े इंडस्ट्री में गिनती आएगा। तो ये हमारे साथ जो डिस्प्ले देख रहे हैं, यह गांव के क्षेत्र का, जिसमें केक भी है, मड़ुआ भी है, और मशरूम का भी कुछ आइटम है, जो महिला लोग अपने झारखंड में कुछ कर रही है। तो आप क्या कर रहे हैं पहले बताइए?
हम मशरूम के लिए अभी स्टार्टिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं और सर ने जैसे बताया कि मशरूम विथ मिलेट के साथ उसका बहुत सारा प्रोडक्ट बनेगा और उसको हम बाहर अपना सेल कर सकते हैं, इसे हम अपना बिजनेस भी बढ़ा सकते हैं। बस इतने ही। क्या क्या आप लोग बना चुके हैं अभी तक? उसमें केक है, मड़ुए का आटा का केक है, और ठेकुआ है, इडली है, और छिलका रोटी है। हाँ, इडली भी मड़ुआ का आटा का इडली है। अभी क्या बिक्री हो रहा है? हाँ, बिक्री हो जाएगा अभी, लेकिन यहाँ हम लोग तो बस सिंपल। लेकिन क्या आदमी खा रहा है? हाँ हाँ, खा रहा है इसके साथ, क्या बोलते हैं उसको, फूड प्रोसेसिंग के लिए। और हम लोग का झारखंड में जो बोला जाता है डुम्बू, जिसको पीठा बोलते हैं, वो बहुत सारा बिकता, वो बहुत सारा बिक रहा है अभी। बहुत लोग उसको इंटरेस्ट लेके खाते भी है, उसे शुगर नहीं होता है, ब्लड बनता है। ये पीस के हिसाब से मिलता है, एक पीस का लगभग 7 से 10 रुपया के अंदर में। सिंघाड़ा, आलू चप्पू, हाँ, और उससे कहीं ज्यादा इससे फायदा भी है हमारा, तो ब्लड बन उसका। हाँ, वैज्ञानिक ग्रुप बहुत जी जी जी, जी, जी। कितने महिला लोग आप लोग मिल चुके हैं अभी तक में? हम लोग कम से कम 30 महिलाएं जुड़ चुकी हैं इस क्षेत्र में। गांव में कितने महिला है, पूरा टोटल जनसंख्या कितना उस गांव के? उस गांव में लगभग हमको लगता है 3000 होंगी। तो हम लोग उसमें अभी अभी ज्वाइन किए हैं, तो हम चाहते हैं कि पूरे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं सभी को जोड़ा जाए इस क्षेत्र से। अच्छा इनकम है? जी, इनकम बहुत अच्छा है इसमें। इनकम बहुत अच्छा है। क्या क्या ट्रेनिंग आप लोगों को मिल चुका है अभी तक? अभी मशरूम का अभी बस अभी तो जस्ट शुरू किए हैं, इसके बाद देखिए आगे आगे सर हम लोग को मार्गदर्शन करते जाएंगे, तो बस हम लोग उसके अनुसार करते जाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा। देखिए, वह महिला जो अभी मशरूम का बिजनेस में इंटरेस्ट हुई है, अभी वो ट्रेनिंग ले रही है, वह महिला जो इस वीडियो बनने के बाद ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि कैसे करके आप आत्मनिर्भर होंगे। और हमारे साथ वह लेडी है जिन्होंने आत्मनिर्भर करके बहुत सा महिला को आत्मनिर्भर बना रही है और अपनी इंडस्ट्री है वो वेस्ट बंगाल से। हम चाहेंगे उनसे परिचय लेने के बाद उनसे हम कुछ सवाल जवाब करते हैं। मैडम, अपना परिचय थोड़ा बताइए। मेरा नाम है सैयदा समीमा नसरीन और मेरा बिजनेस है, और मैं फैसी का वुमेन चैप्टर चेयरपर्सन भी हूँ, और मेरा ज़्यादातर वर्कर महिलाओं है, और यहाँ पर भी सारे महिलाओं है। तो मैं और यहाँ पर जो अमलेस दा है, डॉक्टर अमलेस महतो, ये भी महिलाओं को लेकर काम कर रहे हैं। यहाँ आकर देखा, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लाजवाब, बहुत अच्छे। और मेरा झारखंड में भी जो गुट्टा एरिया, वहाँ पर भी मेरा कुछ काम चल रहे हैं, मेरा एक ट्रस्ट है उसका भी काम चल रहा है। तो मैं आइंदा भी मैं चाहूँगी कि मैं अमलेस दा को लेकर भी मेरा काम चलूँ, क्योंकि मुझे मिल गया है मेरा एक साथी जो मेरा काम को भी मतलब आगे लेके चल सके। और हाँ जी बोलिए मैडम, ये जो मशरूम है एक तो नया बिजनेस है, क्योंकि हाँ, बाजार में जो मशरूम मिलता है वो खाली पैकेजिंग करके मिलता है, आदमी उसको खा रहा है, लेकिन जो अमरेश महतो का जो मशरूम है और इससे जो आस्ते आस्ते महिला लोग जुड़ रही है, आत्मनिर्भर हो रही है, गांव से इतने ठंडा में महिला लोग आकर अपनी बात रख रही है, प्रेजेंटेशन दे रही है, इतना अच्छा डेमो दे रही है, तो आने वाला भविष्य में अगर इसको महिला लोग ध्यान से करें तो हमारे महिला को कितना फ़ायदेमंद होगा? हाँ, ये जो डॉक्टर महतो का जो कॉन्सेप्ट है ना, सच पूछो तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट शायद ही किसी ने सोचा है, क्योंकि सब मशरूम को या तो मशरूम सूप या मशरूम सलाद या खाने में ही मशरूम, क्योंकि मैं यहाँ पहली बार आकर देखा मशरूम केक या मशरूम ये जो पीठा या मशरूम, ये मैंने शायद मैं पहली बार सुना। इनका जो कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है, महिलाओं कर सकते, दे कैन डू एनी थिंग, महिलाओं अगर चाहे ना सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, और आगे जाके ना ये कंसेप्ट बहुत अच्छा होगा चारों तरफ, मतलब अब ये फॉरेन में भी जाएगा, मुझे लगता है ये हर कोई एक्सेप्ट करेगा, और ये बहुत अच्छा, मतलब मैं बोलूँगी कि खाने में एक विप्लव लाएगा। टेस्ट में कैसे है, आप खाए होंगे टेस्ट? मैं अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन ये अच्छा ही होगा। टेस्ट कैसा है? टेस्ट इसका बहुत अच्छा होता है, हर अपना चीज़ का तो होता है ना, तो उसी तरह ये मिलेट का है, तो मशरूम विथ मिलेट के साथ अलग ही कुछ टेस्ट है इसका, है ना? चलिए, टेस्ट है लेकिन ये पूरी तरह मशरूम, अब वहाँ दिन नहीं। चीज़ बोलना चाहूँगी, क्योंकि ये जो
फूड अभी ला रहे हैं ना, तो ये पहले ये लोग टेस्ट किए हैं, खुद एक्सपेरिमेंट किए हैं, तब मार्केट में लाए, क्योंकि विदाउट टेस्टिंग, क्योंकि इनका क्या होता है ना, कुछ साइड इफेक्ट भी होती है, कोई बीमारी भी हो, ये सब अगर खुद ये लोग एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये लोग मार्केट में लाए हैं, तो मैं बोलूँगी कि बेफिक्र आप यूज़ करो, क्योंकि यूँ ही मार्केट में नहीं लाए, यूँ ही पब्लिक को गिनी पिग नहीं बना रहे हैं, एकदम पूरा सब टेस्ट करने के बाद ही लाए हैं, तो आप बेफिक्र ले सकते हो उसको। देखिए, पूरी तरह मल्टीनेशनल कंपनी क्या करती है, अपनी प्रोडक्ट को पहले लॉन्च करती है और उसके बाद फिर एक्सपेरिमेंट करती है उस ग्राहक को, कंज्यूमर के। लेकिन हमारे देश की जो महिला है वो अपने पहले घर में अपने परिवार को टेस्ट करवाई, अपने अपने जो जान पहचान को टेस्ट कराई और उसके बाद ये मार्केट में लाई है। बहुत जल्दी इसका मार्केटिंग होने वाला। लेकिन इटली केक अगर अगर मिल रहा है मशरूम या मिलेट के साथ, तो यह कामयाबी है और उस बिजनेस को एक अलग दिशा देने की एक सोच है। क्योंकि आप ट्रेडिशनल बिजनेस से हट के जब तक यूनिक बिजनेस नहीं कीजिएगा, तब तक आप मार्केट लीडर नहीं बनिएगा और तब तक आप पैसा नहीं कमा सकिएगा। अमरेश महतो के पूरी टीम और अमरेश महतो का जो संघर्ष है मशरूम के प्रति, यह दर्शाता है कि आज महिला आत्मनिर्भर बन चुकी है, आत्मनिर्भर के लिए ट्रेनिंग ले चुकी है और अपने साथ और महिला को ट्रेनिंग देने के लिए काम कर रही है। यह पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट है जिसकी अवेयरनेस लगभग बहुत हो चुका है, अभी और बाकी है। लेकिन जो झारखंड प्रदेश है, गुमला से है, हजारीबाग से है, बहुत अच्छा इसका काम हो रहा है और हमें लगता है कि झारखंड के जो जमशेदपुर है, चाईबासा है, उधर झिकपानी है, वहाँ पर भी इस चीज़ को एक ये पुरुलिया में क्या होता है कि जो वर्षा है पूरा रेगुलर नहीं होता, इनको भी प्रॉब्लम होता है धान के लिए, लेकिन मशरूम के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और यह मशरूम सिर्फ झारखंड और बिहार में नहीं, जिस प्रकार से डिस्कशन हुआ है कि यह मशरूम अब वर्ल्ड मार्केट में एक्सपोर्ट भी होने वाला है और इसके लिए मैडम पूरी सहयोग करेगी और हमें चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि इस मशरूम में आप और इंटर कीजिए, मशरूम के बारे में और जानकारी प्राप्त कीजिए और मशरूम से आप अपना बिजनेस स्टार्टअप और अपनी गांव, अपनी देश, अपनी राज्य को और आगे बढ़ाइए। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।